इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंबई के मोलेन रोड पर, जहां शाहीन बाग की तर्ज पर जो है यहां भी महिलाओं का प्रोटेस्ट यानी 26 जनवरी यानी संविधान दिवस से जो है ये प्रोटेस्ट यहां पर शुरू किया गया। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है तमाम महिलाएँ इकट्ठा हैं और कुछ कॉलेज के छात्र भी हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है ये CAA NRC NPR को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल से जब से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू किया गया है तब से महिलाएं जो है यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है इकट्ठा हो रही हैं और ये प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जारी है। एक बात और आपको बता दें कि जब से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू किया गया है उसी के तर्ज पर अगर देखा जाए तो लगभग पूरे भारत में इस तरह के महिलाओं के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लखनऊ में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है और मुंबरा में भी इसी तरह का एक शाहीन बाग जो है महिलाओं के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो मुंबरा शाहीन बाग के नाम से है वो मुंबरा में जो है महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। उसी के तरफ पे यहाँ पर जो है मुंबई शाहीन बाग के नाम से जो है यहाँ पर महिलाओं की जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि जो महिलाएं हैं ये अपने हाथों में जो है तिरंगा लेकर जो है अब सड़कों पर उतर चुकी हैं क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर जो है इन महिलाओं का यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से सरकार द्वारा CAA NRC NPR जिस तरह से लाया जा रहा है इस काले कानून को लेकर जो है अब तमाम महिलाएं यहां सड़कों पर जो है उतर चुकी हैं और अपने हाथों में तिरंगा लेकर ये महिलाएं सरकार पर अपना विरोध जता रही है कि ये कानून जो सरकार हम पर थोप रही है उस कानून को वापस लेने की ये मांग कर रही है। क्योंकि ये कानून एक काला कानून, इस कानून को काला कानून कहा जा रहा है कि ये कानून कितना ही खतरनाक है। इस वजह से इस कानून को लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है और इसी तरह का जिस तरह से दिल्ली का शाहीन बाग है उसी तरह से अब मुंबई में भी एक शाहीन बाग बन चुका है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरह से मुंबरा का शाहीन बाग है उसी तरह से अब मुंबई में भी शाहीन बाग बन चुका है और तमाम महिलाएं यहां अब सड़कों पर हैं। 24 घंटे लगभग गुजर चुके हैं, इसी तरह से ये महिलाएं यहां पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर बैठी हुई हैं कि क्या ये महिलाएं क्या शौक से इस सड़क पर बैठकर खाना खा रही हैं, क्या अपने हाथों में तिरंगा लेकर ये शौक से यहां पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये बात सरकार को अब समझने की ज़रूरत है क्योंकि इन महिलाओं की वजह से अब सरकार की कुर्सी हिल चुकी है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, हर जगह शाहीन बाग बनकर अब तैयार हो चुका है। तमाम महिलाएं इसी तरह से अब सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं जो इस कानून को लेकर, जिस कानून को अब भारत में काला कानून कहा जा रहा है उस कानून के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम उन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सरकार द्वारा जो ये CAA NRC NPR लाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ मुंबई में जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो शाहीन बाग की तर्ज पर अब धीरे धीरे मशहूर हो रहा है, यहाँ पर कुछ महिलाएँ हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट जो दिल्ली का शाहीन बाग जिस तरह से इस कानून को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जो महिलाएं वहां पर डटी हुई हैं उसी तरह से यहां भी इस कानून को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये प्रदर्शन कल से जारी हुआ है, कल रात 10 बजे से है ना, और तब से शुरू हुआ है और अब देखते देखते इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये माशाल्लाह। तो हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह से शाहीन बाग में पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गए तब से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इतनी ठंडी में कपकपाती हुई ठंडी में वो हार नहीं मान रहे, तो उसी तरह हम भी यहाँ पे अब कोशिश यही कर रहे हैं कि लगातार हम ये आंदोलन को जारी रखें जब तक कि सरकार हमारी बात ना सुन ले। क्योंकि जिस तरह केरला में, पंजाब में रेजोल्यूशन पास हो गया, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेजोल्यूशन पास कर दे कि यहाँ पर NRC NPR या CA जो है वो लागू नहीं होगा। जिस तरह से देखा जाए जो शाहीन बाग है, लखनऊ का घंटाघर है, वहाँ पर जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं तो पुलिस का जो व्यवहार है वो कुछ अलग तरीके का उनके साथ पेश आ रहा है। किसी भी वॉलेंटियर को पकड़ के ले जा रही हैं, कंबलों की चोरी हो जा रही है, तो क्या लग रहा है कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है, प्रदर्शन किसी भी तरह से ख़त्म कराने की कोशिश कर रही है? हाँ, एक अगर देखा जाए तो इससे यही साबित होता है कि वो हम पर जोर डाल रहे हैं कि हम प्रदर्शन ना करें, हम सड़कें खाली करके चले जाएं, क्योंकि कंबल छीनने का मतलब और ये सब करने का मतलब क्या हुआ कि ये चाह रहे हैं ना कि हम ना करें, तो ये इनका काम है, ये वो करेंगे हमारे साथ, लेकिन हम भी
छोड़ के जाने वाले नहीं है जब तक गवर्नमेंट हमारी बात ना सुन लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रहने का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो थोप दे हम पर, हमारी भी बात सुननी चाहिए गवर्नमेंट को, वरना डेमोक्रेटिक इंडिया का मतलब ही क्या हुआ? इसीलिए तो आज डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो 10वें नंबर पे पहुंच गई है, कहाँ लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया थी तो। और अगर वो ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट की, सॉरी सरकार की हमारी बातें नहीं सुनती है जनता की, तो ये सरासर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, जिसे हम नहीं ले सकते। हम आज़ाद देश में आज़ादी से रहना चाहते हैं, तो ये जो CA और NRC लाकर हम पे जो कानून ला रहे हैं, जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सरासर। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देन इन्होंने CA के जरिए क्या किया, स्टेट में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर दिया रिलीजन के बेसिस पे, एंड दैट वी डोंट वांट कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करे, जो बेसिक राइट्स है उसे नहीं चेंज कर सकते ये, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? और ऐसे टाइम पे जब इस देश में ऑलरेडी इतने इश्यूज हैं पहले से ही, तो वो क्यों बाहर से लोगों को लाकर रखना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ना कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के, जो आप वहाँ के हिंदू प्रताड़ित के बारे में सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में भी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, क्या सबको हर कोई ठीक है? मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, सबकी गरीबी खत्म हो गई है, जो आज इतने किसान सुसाइड कर रहे हैं गरीबी की वजह से, जो इतने युवा आज घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ उन्हें सुसाइड कर रहे हैं, उन पढ़ लिख लेते, पैसे इतने खर्च हो जाते मगर ढंग की एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती है उन्हें, तो आप ये सब चीज़ पर ध्यान देना। और वुमेन सेफ्टी, जो सबसे ज़्यादा एक जिस चीज़ का डर रहता है कि वुमेन्स क्राइम जो घटने की बजाय वो और बढ़ते चले गए, तो ऐसे माहौल में जब इनको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना, देश के सारे मुद्दों को छोड़कर सरकार ने इस कानून में उलझा दिया है, तो हम यही समझ रहे हैं कि इनका मतलब ये है कि हमें असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है। आप देख रहे हैं क्योंकि हर कोई CNRC के पीछे ही पड़ा है, आंदोलन कर रहे हैं, कोई असले मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रहे, तो ये यही चाहती है गवर्नमेंट कि हम ये सब भूल जाए, मगर हम नहीं भूलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? पहली बात तो हमने आज तक ऐसा कही, लोग जो समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं उन लोगों का कहना है कि लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं, ये कानून जो है नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है, और इसके लिए जो नारे लगा रहे हैं बाकायदा रैलियां निकाल। अगर नागरिकता दे रहे सभी को तो मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? अगर इस बिल में अगर आप मुस्लिम शामिल कर दें तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, आप मुस्लिम्स का नाम लिख दीजिए। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपने एक कम्युनिटी को, 35 करोड़ मुसलमानों को आपने साइडलाइन कर दिया है। तो हमारे देश में ना आज तक कभी ऐसा हुआ है, ना हम होने देंगे, संविधान खतरे में है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। संविधान खतरे में, जिस दिन संविधान दिवस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है झांकियां देख रहे थे, संविधान दिवस मना रहे थे, और उसी दिन यहां मुंबई में जो है यहां पर जो शाहीन बाग बनकर तैयार हुआ, उसी संविधान को बचाने के लिए और महिलाएं सड़कों पर उतरी। तो क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से महिलाएं निकल रही हैं, तो इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कानून वापस लिया जाए, और सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। यही समझने की कोशिश है कि वो क्यों इस बात पे इतना एम्फेसाइज कर रहे कि हम हमारा काना कानून हटाएंगे नहीं, क्या है उनका पर्सनल एजेंडा, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे फ़ायदा किसको है, किसको फ़ायदा मिल रहा है इसमें, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान नुकसान और नुकसान ही नज़र आ रहा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, ये बात नहीं कर रहे, इनकी तरफ से कोई प्रॉपर स्टेटमेंट्स नहीं आती है, अमित शाह कुछ और बोलते हैं, मोदी जी कुछ और बोलते हैं। तो ये तो आप लोग पहले खुद बैठ के बात कर लीजिए, एक टर्म पे अग्री कीजिए, फिर हमको बताइए कि क्या है, हम भी जानना चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे आप क्या करना चाह रहे हो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो, एंड दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई डोंट थिंक दे शुड बी डूइंग दैट। तो ये तो लेवल वन से ही मतलब फेल हो गए, ये एक इन्फॉर्मेशन देने में, एक प्रॉपर बिल पास करने में, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक दे शुड वर्क ऑन दैट पहले। अब जिस तरह से कल से ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चालू हुआ है, तो ये प्रोटेस्ट जो है आगे आप लोग कहाँ तक लेकर जाएंगे इसके? क्या सरकार अगर जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है और वहाँ घंटा घर पे हो रहा है लखनऊ में, तो ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, क्या बाई चांस अगर यहाँ भी ज़बरदस्ती उठाया जाता है या हटाया जाता है, तो आप लोग हट जाएंगे या फिर जो है प्रोटेस्ट आपका इसी कंटिन्यू चलता रहेगा? देखो हटना तो नहीं है, हटना होता तो आप भी इतनी औरतें बैठी नहीं होती, हटना एक ऑप्शन है ही नहीं,
बैठ गए, कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे, चाहे आपको कितना भी, अगर वो इतना गलत सरकार इतनी गलत फैसलों के बावजूद भी अड़ी है और इतने पब्लिकली इतने वोकल है इस बात को लेके कि हम एक भी इंच पीछे नहीं हटे, तो हम तो सही है, हम तो संविधान बचा रहे हैं, हम हमारा घर बचा रहे हैं, हमारी नागरिकता बचा रहे हैं, हम हमारे देश से प्यार करते, तो हम क्यों पीछे हटेंगे? हम तो सही है, तो सवाल ही नहीं होता पीछे हटने का। अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी करेंगी तब तक इस तरह का प्रोटेस्ट यहां पर जारी रहेगा। एक बात आपको दिखा दें कि अब तमाम महिलाएं जो है यहां पर इसी तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो ये रास्ता है, इस रास्ते को जो है अरबिया होटल आप सामने देख रहे हैं वहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया है और ये रास्ता को जो है बंद कर दिया गया है। हालाँकि जो इस एरिए में रहने वाले लोग हैं उनका उनको पूछताछ करके उसके बाद एक दूसरी तरफ से जो है उनको जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, क्योंकि खास तौर पे देखा जाए तो ये महिलाओं का प्रोटेस्ट है, इसलिए कहीं से भी कोई जो है घटना ना हो, किसी तरह की भी कोई आपत्तिजनक चीज ना हो, इसलिए जो यहाँ पर तमाम वॉलेंटियर जो लगाए गए हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पे महिलाओं का प्रोटेस्ट है, इसलिए सुरक्षा होना बेहद जरूरी है और काफी महिलाएं और जो है मासूम बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, इसलिए जो है यहाँ पर वॉलेंटियर भी लगे हुए हैं और जहाँ एंट्री है जहाँ रोड की वहाँ पर जो है पुलिस की वैन भी लगी हुई है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। आपको और भी दिखा दें, जो तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर जो है यहाँ पर इस कानून को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक इस तरह के जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेंगे। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।